भार्गव जी, क्या मेडिटेशन, जैम थेरेपी, रेकी या मोटिवेशनल स्पीचेस भी इस दिशा में काम करते हैं? बहुत सारे लोग एज ए मेंटर काम कर रहे हैं, जैसे आपने सवाल किया एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन, रेकी, ये क्या करते हैं? प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की आप इजाज़त दें तो, प्रॉब्लम शुरू होती है हमारी एक ऑरा होती है। आप देखोगे इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है, अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, भगवान की फोटोएं होती हैं, गुरुदेव की फोटो, उनके पीछे एक चक्कर बना होता है जिसको हम ऑरा बोलते हैं। हर एक आदमी में वो ऑरा होती है, वो ऑरा से आपको 5 से 6 महीने पहले ये पता लग जाता है प्रॉब्लम शुरू हो रही है। ऑरा के बाद वो प्रॉब्लम आपके माइंड में कन्वर्ट होती है, माइंड से वो प्रॉब्लम आपके थॉट में आ जाती है, और थॉट में आने के बाद वो सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड हो जाती है, और जब सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड हो जाती है तब हम बोलना शुरू करते हैं इसको डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, इसको ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी। तो आप देखेंगे कि कम से कम 4-5 लेवल तक वो प्रॉब्लम जा चुकी है आपकी बॉडी में, तब हमें सिम्टम दिखते हैं। तो जब हम बाकी लोगों पे जाते हैं, जैसे मेडिटेशन करते हैं, हम अपनी ऑरा स्ट्रांग करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग करते हैं, एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, वो एज ए मेंटर काम करता है। मेरे फादर बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, मैंने भी एस्ट्रोलॉजी में डिग्री की हुई है। एस्ट्रोलॉजर में जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं चेंज कर दूंगा आपका भाग्य, मैं शायद उस पर यकीन नहीं करता। मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताएगा कि आप अच्छे से अपने भाग्य को यूज़ कैसे कर सकते हैं। ही कैन वर्क एज ए मेंटर। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, मान लो उसने बोला इस गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, गाड़ी की स्पीड स्लो कर देंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे, उससे क्या होगा, आपको चोट पहुँचेगी। पर ये ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं वो आपको गाड़ी से सीधा प्लेन पे चढ़ा देगा या ऐसा कर देगा, ऐसा हम बोल देते हैं, मैं इससे शायद सहमत नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेन को ऑरा और माइंड पीस तक लेके जाती हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम आगे चलेगी तब आपको थेरेपी से जाना पड़ेगा।